पहले तो ना व्यू इस वक्त हम लोग खड़े हैं अपने प्राचीन गांव नवाकोट में, जहाँ की अब हम लोगों का शुरू से बोलते हैं, जहाँ की हम लोगों का आना जाना बहुत कम होता है। और आप बद्दी गुजराल जी को मैं समझा रहा हूँ कि भाई कभी कभार आप साल भर में एक बार दो बार यहाँ आओ, अपनी ज़मीन को देखो, हमारी ज़मीन कहाँ पर थी, क्या था, कैसा था, अपना भाई भाई का हिस्सा करवाओ, ताकि कल तुम्हारा कलेश ना रहे। आप कभी छः महीने में उस तक कल आपका मूड ऐसे करता है भाई यही धंधा करना है, यही कोई व्यवसाय करना है, बिल्कुल ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, कर सकते हैं। आप देखना दिल्ली में 5 साल आपकी हालत हो जाएगी, अगर आपकी 1 लाख रुपये महीने की है, आप गुजारे कर रहे हो आप, और आने वाले 5 साल में आपकी 2 लाख होगी तब जा कर पाओगे। अगर 2 लाख तुम कमा नहीं पाओगे आने वाले समय में, जो विदेशी कंपनियां हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें आपको अपने लिए काम लाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो आप देखिए, देखो कितना सुंदर नज़ारा है, अब आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, देखिए पूरा व्यू लो आप, अपने भाई लोगों यार दोस्तों को दिखाओ, और खुद अकेले बैठ के सोचना भी इस विषय पर, और देखना कि वाकई भाई यहाँ पे क्या चीज़ है। हम लोग देखो आज स्वर्ग के छोड़ के नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, हमने पूरी दुनिया में जाकर सब कुछ पहचाना, लेकिन हमने अपने आप को नहीं पहचाना। हम गए थे, कुछ लोग बेचारे ऐसे भी हैं, गए थे काम करने होटलों में, रह गए जाकर बंद बोतलों में। इसलिए मैं कहता हूँ भाई कभी कभार आओ, सोचो, चिंतन मनन करो, जहाँ हमें अनपढ़ होने के बाद, गरीब होने के बाद आज शहरों में रहने का मौका मिला और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन आज की डेट में आप देखिए हम वहीं झक मार रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ जी सर, गुजारा वहाँ पर हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जिस आदमी वहाँ जो परेशानी में ये भाषा उसके लिए है। और भाइयों बुरा मत मानना, मैं कोई खुद दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मेरे आने की जो है पूरी तैयारी है, चंद साल में होता है, मैं अगले साल ही अपना इसी आसपास में अपना काम चालू करूँगा, और मेरा मिशन है कि समाज के लिए है कि सेवा करना, दिल्ली के बीमारी के वालों। हाँ अब देखो वहाँ बीमारी देख लो, 40 साल के बाद आपको बीमारी के लिए कमाना है, बिल्कुल। पानी आपको फिल्टर पीना पड़ता है, अस्थमा की प्रॉब्लम आने लग गई, साइनस की प्रॉब्लम आने लग गई, हार्ट अटैक आम होने लग गए हैं, ये सब होने, लेकिन यहाँ प्रदूषण की वजह से, यहाँ पर प्रदूषण नहीं है, नहीं है ना के बराबर है, बिल्कुल एकदम 0%। सो रहे थे आराम, रजाई उड़ के सो रहे थे ना आप, इस टाइम मैं सांस ले रहा हूँ, खुल के सांस ले रहा हूँ, इस टाइम ऑक्सीजन प्रॉपर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है यहाँ पे, रात को आपको रजाई उड़ के सोना पड़ा। हाँ आप चाहे 2 करोड़ का इसी लगा लो, मैं मान जाऊँगा, अगर दिल्ली में आपको रजाई उड़ नहीं पड़ जाए तो आप जब बिल भरना पड़ेगा तो दिमाग की टेंशन होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस कोई एसी का खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पंखे में सो सकते हैं। आज अपने अपने फ्यूचर के चक्कर में अपने नेचर खत्म कर दिया, नेचर खत्म कर दिया भाई, जो अगर नेचर है तो फ्यूचर है, फ्यूचर का आप करो क्या, जब नेचर ही नहीं बचेगा, नेचर ही नहीं बचेगा, मेन स्वस्थ होता है, जब स्वस्थ ही नहीं रहेगा हमारा ठीक, तो हम क्या करेंगे। अभी तो आप पानी फिल्टर पी रहे हैं, आने वाले चंद सालों में आपको पानी ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके आपको शहर में घूमना पड़ेगा, ये दावा है हमारा इस बात का। ये हमारे दिल्ली विंटर में ऑक्सीजन के सिलेंडर ही तो बिकते हैं सारे, इतना पॉल्यूशन होता है। अच्छा अब ये बताओ, जब आप इससे पहले आप गाँव नहीं आए थे, जब हम आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं गाँव आने के लिए, आज आप खुद आकर देखा आपने, अब कैसा लग रहा है आपको, हम सच मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मेरे को दिल्ली में प्रॉब्लम आती है डस्ट की, हाँ। यहाँ पर बिल्कुल कोई डस्ट मात्र कुछ भी नहीं है, प्रॉपर ऑक्सीजन है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आगे देखो, मेरा आपसे कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं यहाँ कोई चुनाव लड़ने नहीं आ रहा हूँ, मेरा मकसद है अपनी ज़मीन को आओ देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ पे क्या होता है, क्या हो सकता होता है भाई। जब एक अनपढ़ आदमी शहर में जाके अपना जीवन चला सकता है, तो वहाँ का आदमी आज जो पढ़ा लिखा है वो अब नई तकनीक से यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता है, और लोगों के लिए एक रोजगार का साधन भी बन सकता है। यहाँ पे रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन क्या है, वहाँ लोग 1 करोड़ रुपये लगा के तो 50 हज़ार महीने नहीं कमा रहे। अगर आज कोई भाई बन यहाँ 1 करोड़ रुपये खर्च करता है, तो मैं 2 साल कहता हूँ अपना जीवन में सही ढंग चलाएगा, और 20 लोगों को रोजगार देने की क्षमता उसके अंदर है, और मेन उसकी आयु बढ़ जाएगी, आयु बढ़ेगी, बीमारी रहित रहेगा, आयु भी बढ़ेगी और आयु बढ़ेगी, दोनों आयु भी बढ़ेगी, हाँ आयु भी बढ़ेगी और आयु बढ़ेगी। दिल्ली में 40 ऊपर डेली लोग टैबलेट खाते हैं, मेरे फ्रेंड्स ही हैं जिनको सारी प्रॉब्लमें हैं, फिर शहर शरीर को फिट, वहाँ का हवा पानी ही बिल्कुल बेकार है। आप जैसे लोग फिर बॉडी बनाने जाते हैं वहाँ, लेकिन आप हमें जिम में जाना पड़ता है, ठीक है, यहाँ आपको बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जय श्री राम, जय उत्तराखंड।